नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, क्या आप चावल खाने के शौकीन होने के बावजूद सिर्फ इसलिए इसका सेवन नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण करेगा? तो चलिए आपकी मुश्किल को जरा कम करते हैं। दरअसल चावल को पकाने का तरीका बदलकर आप इसमें मौजूद कैलोरीज को कम कर सकते हैं और चावल को और हेल्दी बना सकते हैं। इसके लिए आप चावल पकाने के दो तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका बेहद सामान्य है, जो सामान्यतः आप अपने घर में चावल बनाते समय प्रयोग करते ही होंगे। इसमें आपको चावल को कुकर में पकाने की बजाय किसी बर्तन में उबालकर बनाना होगा और चावल पकने के बाद उसका पानी निथार कर उसका प्रयोग करना होगा। इस विधि से चावल का अतिरिक्त फैट आपके शरीर में नहीं जाएगा। इसे पकाते वक्त अगर एक नींबू भी निचोड़ दिया जाए तो चावल खिले खिले भी बनेंगे और हेल्दी भी। इससे आपको अतिरिक्त विटामिन सी भी मिलेगा। दूसरा तरीका आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको चावल को नारियल तेल में पकाना होगा। हालांकि ये तरीका लगभग वैसा ही है, बस आपको पानी उबालकर इसमें थोड़ा नारियल तेल डालना है और फिर उस पानी में चावल उबालने हैं। अब चावलों को उबालने के बाद लगभग 10 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इनका सेवन करें। नारियल तेल में मौजूद हेल्दी फैट आपको लाभ देगा और इस प्रक्रिया में चावल की रासायनिक संरचना में होने वाला बदलाव इसकी कैलोरी को कम करता है। और इस तरीके को अपनाकर आप चावल की कैलोरी को 10 से 50% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना मोटे हुए चावल खाना चाहते हैं या बिना कैलोरीज की चिंता करे चावल खाना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए इन उपायों को जरूर अपना कर देखें। हेल्दी सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।